हेलो दोस्तों, वेलकम टू इमेजिंग क्लासेस। आप सभी दोस्तों का इमेजिंग क्लास में स्वागत है। डेली करंट अफेयर 17 सितंबर का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ जो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किस राज्य सरकार ने माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान का शुभारंभ किया? विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर जो होगा आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। ठीक है, तो महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं, उन्होंने इस अभियान का शुभारंभ किया। और क्योंकि कोरोना वायरस का जो महामारी चल रहा है उसको थोड़ा कंट्रोल करने के लिए, मतलब उसको थोड़ा ताकि ज़्यादा फैले नहीं, इसीलिए इस अभियान का शुभारंभ किया गया है। माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पहला चरण चलेगा वो 10 अक्टूबर तक चलेगा, और दूसरा चरण जो चलेगा, दूसरा चरण वो 12 से 24 अक्टूबर तक चलेगा। और यहाँ के जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह केसवारी, जो वहाँ के राज्यपाल हैं मैंने गवर्नर हैं, और उद्धव ठाकरे जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इतना आपको जानकारी रखना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एडीबी ने किसको नियुक्त किया भारत का कंट्री डायरेक्टर? हु वाज अपॉइंटेड बाय एडीबी एज ए कंट्री डायरेक्टर ऑफ इंडिया? टेको कौनसी, केनिची युकोयामा, सुशांत सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इससे पहले जो थे केनिची युकोयामा वो पहले थे, अब जो है इसके जगह पे टेको कौनसी को कंट्री डायरेक्टर चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए कुछ जानते हैं कि एडीबी के बारे में जानते हैं। एशियाई विकास बैंक या तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके जो अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष के बारे में पूछा जाएगा तो मत सुगु ओसाका जी जो है वहाँ के अध्यक्ष है। और अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो फिलीपींस में हेडक्वार्टर है, यानी कि फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। और इसका जो स्थापना हुआ था 19 दिसंबर 1966 को एशियन डेवलपमेंट बैंक मैंने एशियाई विकास बैंक का स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल ओजोन लेयर कंजर्वेशन डे सेलिब्रेटेड? 13 सितंबर, 16 सितंबर, 14 सितंबर, 12 सितंबर। तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में जानते हैं इसका थीम क्या है। तो थीम जो है आपका ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स, ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। तो इसका थीम है, थीम आपको पूछा जाता है एग्जाम में। अगर थीम पूछा जाए कि इंटरनेशनल ओजोन लेयर डे, मतलब अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस का थीम क्या है, तो ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पेटीएम फर्स्ट गेम ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? हु मेड पेटीएम फर्स्ट गेम देयर ब्रांड एम्बेसडर? तो सुरेश रैना, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर। तो इसका आंसर जो होगा सचिन तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया पेटीएम फर्स्ट गेम्स के लिए। ठीक है, तो इसके जो पेटीएम के अध्यक्ष कौन है? तो अमित अय्यर जी जो है इसके अध्यक्ष है। और संस्थापक कौन है, फाउंडर? तो विजय शेखर शर्मा पूछा जाता है, करंट अफेयर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर नोएडा में, नोएडा यूपी में इसका हेडक्वार्टर है, मतलब मुख्यालय है। और इसका जो स्थापना हुआ था पेटीएम का अगस्त 2010 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? रिसेंटली द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द नेम ऑफ मुगल म्यूजियम अंडर कंस्ट्रक्शन इन आगरा। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, सम्राट अशोक, अपरोक्त कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज। तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो सीएम है यानी मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। ठीक है, और लखनऊ सबसे बड़ा शहर है, और जनसंख्या के आधार पर जो यूपी सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य है। राज्य की बात करें तो जनसंख्या के आधार में यूपी जो है सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
सदाशिव पाटिल का निधन हुआ वे कौन थे? हु वॉज सदाशिव पाटिल हु डाइड, वे कौन थे? लेखक, पत्रिका, क्रिकेटर। तो वे क्रिकेटर थे, ठीक है। और उन्होंने महाराष्ट्र से थे, कहाँ से थे? महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ था और महाराष्ट्र की ओर से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे, लेकिन उन्होंने मात्र एक ही टेस्ट खेला है, बस एक ही टेस्ट मैच खेला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बैकयार्ड बागवानी कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ? वेयर डिड बैकवर्ड गार्डनिंग प्रोग्राम स्टार्ट रिसेंटली? जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। इसका आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू एंड कश्मीर क्या यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, पहले स्टेट था लेकिन अब यूनियन टेरिटरी हो गया है, तो अब जानकारी रखना है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है यूनियन टेरिटरी है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा, सभी कंसेप्ट समझ में आया। अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप के चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ सकते हैं। आपको टेलीग्राम में PDF और डेली टेस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेस्ट दे सकते हैं और PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, साथ ही कमेंट करना ना भूलें। और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।